तुम्हारी आज की हालत है। और एक वीडियो दिखाऊंगा, तुम एक ऐसा वीडियो दिखाऊंगा, अगर शर्म आया कुछ बची होगी। आंखें खोल लेना अपनी, हरियाणा और पंजाब वाले, ये मत समझना कि सिर्फ पंजाब वालों को मारा गया है, उनकी दस्ता आज की घटना या अभी की घटना है। भगवंत मान जो बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, भगवंत मान ये वीडियो अगर आपके पास पहुंचता है ना, तो पता पूछना इस पुलिस वाले से, किस अधिकार से इसने इस बुजुर्ग माता के ऊपर हाथ उठाया है। और अगर ना देखा हो तो दोबारा दिखाता हूं, इस माता ने सिर्फ इतना ही कहा था कि इस बुजुर्ग को मार के इसकी पगड़ी क्यों गिरा दी, पगड़ी क्यों गिरा दी इस बुजुर्ग को मार मार के, और फिर इसको इस माता को ही मारा गया उल्टा। ये देखना ध्यान से, ये माता जी ये कर दी, ये देख बुजुर्ग को मारकर जमीन पर पगड़ी गिरा रखी है, यही तो। नमस्कार भाई दोस्तों, सिर्फ एक ही बात बोलूँगा, वीडियो को जितना हो सकता ना उतना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। आपको बार बार बताया कि जो झाड़ू सरकार है पंजाब के अंदर, उसने मानवता को शर्मसार बिल्कुल ऐसा कर दिया है कि वो हदें तोड़ दी। इतना तो केंद्र सरकार ने भी नहीं किया था, केंद्र सरकार तो उठा के मारे, तुम तो मारने से भी बुरा काम कर रहे हो पंजाब के अंदर। किसको नहीं पता कि किसान अपना आंदोलन कर रहे हैं, आपको बताया था कि किसान आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन पंजाब के लोग है ना, पंजाब के लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि करना क्या है। समस्या तो ये होगी पंजाब के लोगों को समझ में नहीं आ रहा, क्यों जहाँ भी देखोगे होर्डिंग लगे हुए, बैनर लगे हुए, सरकार ने ये विकास कर दिया, वो विकास कर दिया। हम बात करते थे जब केंद्र सरकार से टकरा हुआ था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से टकरा गए थे, किसान टकरा गए थे, लेकिन नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री से भी को हजार कदम आगे कहूंगा मैं, एक दो कदम नहीं, हजार कदम आगे वो दिल्ली का बनिया निकल चुका है। या तो तुम्हारे अंदर शर्म नाम की चीज नहीं बची है भाई पंजाब वालों, सीधी सच्चाई सुन लेना आज, बार बार ना तो कहेंगे, एक ही बार कहेंगे जो आपको ऐसे हैरान और परेशान करने वाली तस्वीरें और वीडियो दिखाते हैं कि अगर आपके अंदर थोड़ी बहुत भी गैरत बची होगी ना, तो आप है ना, मतलब के या तो शर्म से डूब के मर जाओ या फिर लड़ने के लिए तैयार हो जाओ, दो में से एक ही काम है, या फिर मर जाओ, फिर अपने आप को घोषित कर दो कि तुम चलती फिरती ज़ॉम्बी बन चुके हो। आज पंजाब के अंदर सबको पता था किसान अपना रोष प्रदर्शन कर रहे थे, वहां की जो तस्वीरें सामने आई हैं कमाल कर दिया यार। या तो भगवंत मान को चेक कराओ भाई पहले, तो ये भगवंत मान पंजाब का है भी या नहीं है, फिर उसके बाद चेक करवाना उन पुलिस वालों को, ध्यान से सुन लेना उन पुलिस वालों को, इनके सामने नशा बेचते हैं लोग, सरेआम बेचते हैं, इनकी पिंडियां कांपती हैं, पुलिस वालों की पिंडियां कांपती है, पुलिस वाले के अंदर दम नहीं होता, नशे के व्यापारी के घर पे जाकर भी एक बार भी कुछ बोल दे ये। और ये किसानों को कितने बुरे तरीके से मारते पीटते और कूटते हैं, सरदारों की दस्तार जमीन पे गिरा दी मार मार के, फिर अपने आप को सरदार कहोगे, हो भाई तुम दशम पिता गुरु गोविंद सिंह के पुत्र हो, तो लो सुन लो भाई तुम्हारी आज की हालत। और एक वीडियो दिखाऊंगा, तुम एक ऐसा वीडियो दिखाऊंगा, अगर शर्म आया कुछ बची होगी। आंखें खोल लेना अपनी, हरियाणा और पंजाब वाले, ये मत समझना कि सिर्फ पंजाब वालों को मारा गया है, उनकी दस्ता आज की घटना यह भी की घटना है, ठीक है, यह भी की घटना है। कितने बुरे तरीके से, मतलब के देखना, जमीन पे लिटा लिटा के बुजुर्गों को लिटा लिटा के यार, मतलब के इन लोगों हद कर दी यार, हद। अच्छा आपको एक ऐसा, मतलब कि अगर आपके अंदर है ना थोड़ी बहुत भी शर्म या बची है ना, चलो वीडियो तो आप बाद में कहना कि वीडियो चाहिए या नहीं चाहिए, वो तो बहुत बाद की बात है, लेकिन पहले इस वीडियो को ना जितने बार भी देखा हमने, इस वीडियो को जितने बार भी देखा, इतना मतलब कि आग लगी हुई है जिसकी कि पूछो मत जो आग लगी है शरीर के अंदर, आपको भी दिखाते हैं, इसको जितने बार देखेंगे ना उतने ही बार यार खून खोलता है यार, कि मतलब कि
इस हद तक भी अगर आप गिर सकते हो, ये देखो ये पुलिस वाले हैं, नीचे जमीन पे लिटा रखा मार मार के, ये इनको आप पुलिस वाला कहोगे? ये पुलिस वाले हैं भाई, ये एक बुजुर्ग माता के ऊपर ये हाथ उठा रहा है। जिंदगी भर पुलिस में नौकरी करेगा क्या ये? जिंदगी भर पुलिस में नौकरी करेगा क्या? इसकी पहचान जरूरी है, पहचान कर लो इन पुलिस वालों की। उस समय पर भी बताया था, इनको बहुत समझाया था कि अपने भाई हो, ऐसी गलती मत किया करो, अपने भाई, कोई भाई नहीं है ये, कहीं कोई समझ रहा है कोई भाई है ये पुलिस वाले, कोई भाई नहीं है। एक चीज और बताता हूं मैं, जिंदगी भर पुलिस के अंदर नौकरी नहीं करेंगे ये याद रखना। इनकी पहचान जरूर रखना, इनके फोटो जरूर रखना, जिंदगी भर तो पुलिस के अंदर नौकरी करेंगे नहीं, कि ये वर्दी का दोस्त दिखाते रहेंगे। या फिर तुम अगर इनके वर्दी के दोस्त से डरते हो तो फिर अपने घर पर बैठ जाओ आराम से, ना तो तुम कहीं जंतर मंतर पे जाओ कि तुम उन पहलवानों को इंसाफ दिलवाओगे। दिलवा लो ना पंजाब के अंदर इंसाफ, दिलवाओ पंजाब के अंदर इंसाफ। तुम जंतर मंतर पे गए थे ना पूरा टंडा टेरा लेकर हरियाणा और पंजाब वाले, कि वहां पे इंसाफ दिलवाएंगे, वहां पे इंसाफ दिलवाएंगे। 25 दिन हो गए वहां पे बैठे हुए, वहां तो इंसाफ दूर गया, ये पंजाब के अंदर क्या हो गया ये बताओ ना। अब बताओ कहां गए वो जो कहते थे कि हम ये कर देंगे, हम गुरु के सिंह हैं, ये करेंगे। क्या करोगे भाई अब, क्या करोगे अब ये बताओ। ओ भगवंत मान जो बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, भगवंत मान ये वीडियो अगर आपके पास पहुंचता है ना तो पता पूछना इस पुलिस वाले से, किस अधिकार से इसने इस बुजुर्ग माता के ऊपर हाथ उठाया है। और अगर ना देखा हो तो दोबारा दिखाता हूं, इस माता ने सिर्फ इतना ही कहा था कि इस बुजुर्ग को मार के इसकी पगड़ी क्यों गिरा दी इस बुजुर्ग को मार मार के, और फिर इसको, इस माता को ही मारा गया उल्टा। ये देखना ध्यान से, ये माता जी ये कर दी, देख बुजुर्ग को मारकर जमीन पर पगड़ी गिरा रखी है, यही तो बोला था माता जी ने, यही तो बोला था। और फिर एक तमाशा और भी देखा आपने, हमने बहुत देखे हैं हरियाणा के अंदर भी, खूब देखे हैं, कहीं शिवल वर्दी वाले खूब घूम रहे हैं, ये भी अपने आप को पुलिस वाले बोलते हैं। शिवल वर्दी में भी जो आते हैं, इनमें से आधे से बहुत ही कम पुलिस वाले होते हैं, बहुत ही कम। वो तो पुलिस वाला भले ही हो जो उसका हाथ पकड़ रहा था मारने वाला का, लेकिन मारने वाला पुलिस वाला नहीं है, ना ही ये किसी अच्छे माँ बाप की औलाद है, ये वो दो पैरों वाले कुत्ते हैं। कुत्ते शब्द लगा रहे हो मैं इनको, दो पैरों वाले कुत्ते। एक चीज का सुनी है आपने, कुत्ती चोरों नाल मिल जाती है ना जब, तब ऐसा ही होता है, और ये कुत्ते चोरों के साथ मिले हुए हैं ये। हद कर दी यार बिल्कुल ही, मतलब के लिमिट तोड़ दी बिल्कुल इन लोगों ने। अब खड़े हो जाना, देखते कितना हरियाणा पंजाब वाले खड़े होंगे। पूछ रहे थे ना किसान आंदोलन कब होगा, हो चुका आंदोलन, तो आंदोलन हो चुका और दबाया भी जा चुका है। गुरदासपुर की घटना है, आज की घटना गुरदासपुर की है। जमीनों को जबरदस्ती छीनने जा रहा है, बोले थे ना जमीनों को छीनेंगे जबरदस्ती। कहां भाई सभी के सभी किसान नेता, कब घोषणा करेंगे? इंतजार करें या जंतर मंतर पे जाकर घोषणा करोगे, या जंतर मंतर पे जाकर घोषणा करोगे? कहां गए सभी के सभी किसान नेता, कहां वो किसान मजदूर संगठन वाले कहां गए? कब घोषणा करेंगे? जब दो चार माताएं मर जाएंगी, दो चार अपने बुजुर्ग मर जाएंगे, तब तुम्हारी आंखें खुलेंगी? उस चीज का इंतजार करोगे तुम? तब का इंतजार कर रहे हो क्या? घोषणा करनी है तो करो अभी। और हाँ, कमेंट करके बताना भाई कौन कौन आपकी बार आएगा आंदोलन में, उनके बारे में तो मैं कुछ नहीं कहूंगा। जो गंदी नाली की पैदाइश है ना, उनका काम तो फिर वही होगा सोशल मीडिया के ऊपर गंद फैलाना, सोशल मीडिया पर गंद फैलाना। या तो शाम तक ऐलान हो जाना चाहिए हरियाणा और पंजाब की तरफ से, सब कुछ बंद करते तो ठीक है, नहीं तो ये कोई किसान नेता नहीं है, ये फिर इलेक्शन लड़ने के लिए भाग जाते हैं। ये कहां के किसान नेता है? ये इंतजार करते हैं कब बच्चे मर जाएं, कब बच्चे जेल में जाएं, ये अपनी राजनीतिक रोटियां सेकें। छोड़ के जंतर मंतर ना सिर्फ कहने छोड़ के ना, और आ जाओ इधर, ये सरेआम मारा कुटा जा रहा है, सरेआम जमीन छीनी जा रही है सरेआम। अब देखते हो हरियाणा पंजाब की एकता कहां जाए, कहां जाएंगे वो किसान नेता, यही देखना है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना, ये वीडियो इतना जरूर शेयर करो ताकि वो तो झाड़ू लेकर घूमता ना एक पग फंसा के, और तुम्हारा मुख्यमंत्री है जो, वो झाड़ू वाला, उस झाड़ू वाले को दिखा देना, उनको झाड़ू वाले ये है तेरी पुलिस। नशा बेचने वाले गांव गांव में नशा बेच रहे, उनको तो ये पकड़ नहीं सकते। चिट्टा इंजेक्शन लगा लगा के बच्चे मर रहे, उनको ये पकड़ नहीं सकते। वहां पर इनकी पिंडी कांपती, पता हो पैसे वाली हस्तियां हैं, ये गरीब किसान है, ये क्या करेंगे? लेकिन अगर गरीब किसान के बच्चों का सिर घूमेगा ना तो बहुत कुछ होगा, ये बता दिया, बहुत कुछ होगा। टारगेट पर रखना आंदोलन होता तो टारगेट पर रखना, स्पेशल इन पुलिस वालों को। अभी तक नहीं बोली थी हमने बात, लेकिन जो ये पुलिस वाले ना टारगेट पे, अगर अपना टारगेट मिस करके ना तो फिर लाठियां खाओगे, डंडे खाओगे, जेल में जाओगे, ये बता दिया। अपना टारगेट बना के रखना यार, शर्म नहीं आती थोड़ी बहुत भी? बुजुर्गों के ऊपर हाथ उठा रहे हो, बुजुर्गों को मार रहे हो, किसान आंदोलन में भी हमने खूब देखा था, फिर भी छोड़ दिया, चलो यार कोई बात नहीं है। लेकिन यहां पर तो लिमिट टूट चुकी है, लिमिट ही टूट चुकी है। अब खड़ा हो जाना हरियाणा पंजाब, अगर खड़ा होना है तो
वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कर देना ताकि लोगों की आंखें खुल जाए, जो बैठे हो ना उनकी आंखें खुल जाए। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना है दोस्तों, बेल आइकन, ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आपकी है, हक और सच की बात रखने की जिम्मेवारी हमारी है। बहुत चैनल अब सब कुछ बंद होते आ रहे हैं, अब आंदोलन होगा और बहुत बड़ा होगा, लेकिन आप सबका सहयोग बहुत जरूरी है। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।